भाजपा ने 7 सदस्य कमेटी का गठन किया है जो कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन 2024 के जो विधेयक है उसमें क्या क्या संशोधन होने चाहिए, किस तरीके से लोगों की राय होनी चाहिए, उसके लिए एक 7 सदस्य कमेटी का गठन किया है। और इसमें बीजेपी ने अपने वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है, इसके अलावा जो पार्टी के और अन्य लोग हैं उनको रखा गया है। हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कमेटी का मतलब क्या है और ये कमेटी किस तरीके से काम करेगी। सर, इस कमेटी का अर्थ क्या है और बीजेपी ने जो 7 सदस्य बनाए हैं ये क्या काम करेंगे? देखिए, 7 सदस्य कमेटी संगठन के द्वारा बनाई गई है। मैं पहले तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हम सब जानते हैं कि आज की डेट में जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो एक हॉट केक बना हुआ है, वो लगातार सारे चैनल्स पे, हर जगह समाज के अंदर उस पर डिस्कशन चल रहा है। और जिस तरह से तमाम लोग, जो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ओवैसी साहब हो, या तमाम जो धर्म के अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं वो लोग, जिस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, तो एक मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। ये देश के हित में था, ये मुस्लिम समाज के हित के लिए अमेंडमेंट लाया जा रहा था, लेकिन ये बताया गया कि ये मुसलमानों के विरोध में आ रहा है, ज़मीनें सरकार छीन लेगी, ऐसे हो जाएगा। और JPC को भेजने के बावजूद हाल ये हो रहा है कि विपक्ष के जो सदस्य हैं JPC में, वो सीधा सीधा इसे कह रहे हैं कि रिजेक्ट करो, तो संशोधन नहीं दे रहे हैं। तो क्योंकि तमाम देश के लोगों से संशोधन मांगे जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जिसमें अल्पसंख्यक समाज भी है, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, वो लोग जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचनी चाहिए? तो उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के एक सेतु का काम ये 7 सदस्य कमेटी करेगी, जिसकी कल राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी और आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी, ये तमाम लोग कल सातों सदस्यों के साथ राष्ट्रीय कार्यालय पर बैठेंगे और आगे की रूपरेखा के ऊपर चर्चा करेंगे कि आगे हमें कैसे कार्य करना है। हमारा मकसद अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का विकास हो, उसको लाभ मिले, और देश में जो 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो वक्फ बोर्ड में भी दिखाई दे। वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा बन गया है और लूटने वाले आज उसके हमदर्द बन के उस एक्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो लोग बेनिफिशियरी थे, जो लुटेरे थे, वही तो सारे के सारे इस वक्फ के बेनिफिशियरी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें वक्फ एक्ट नहीं चाहिए, तो उनको तो बिल्कुल नहीं चाहिए, सही बात है। तो जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, जो आम आदमी, आम मुसलमान की चिंता करते हैं कि जो यतीम, मिस्कीन, बेवा बहनें जो हैं, उनको उनका हक मिले, ये सदके ज़कात खैरात का पैसा है, उन तक वो पहुँचे, तो उनकी सोच को भी JPC तक पहुंचाना, माननीय मंत्री तक पहुंचाना, और माननीय मंत्री जी के माध्यम से, केंद्रीय मंत्री के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी तक इस बात को, नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना कि देश की एक तबका, जो मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा है, वो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, वो चाहता है कि इसमें संशोधन हो, उस दिशा में हम आगे काम करें। अच्छा, संशोधन की बात करें जो हो रहा है उसमें आपके हिसाब से, क्योंकि आप यहाँ पर पूरा कामकाज देख रहे हैं, क्या 3 चीज़ें होनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी को भी दे दी जाती है, अगर कोई संपत्ति इसमें आती है उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, किस तरीके से आप 3 संशोधन, बड़े संशोधन अगर आपके राय मानी जाए? देखिए, 3 बड़ी चीज़ें इसमें ये हैं। सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, सबसे पहले तो CBI इंक्वायरी इसमें की जाए, जिन्होंने लूटा है इस वक्फ बोर्ड को, ये जो संपत्ति आपको नजर आ रही है वक्फ बोर्ड में, ये मौके पे नहीं है, ये लूट चुके हैं, उसे बेच चुके हैं, खुर्दबुर्द कर चुके हैं, तो जिन्होंने लूटी है उनसे पहले वापस ली जाए। दूसरा हमारा कहना यह है कि इस प्रॉपर्टी का मकसद क्या था वक्फ का, वाकिफ ने जो वक्फ किया उसका मकसद है कि गरीबों को इसका फ़ायदा पहुंचे, जो यतीम बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, बेवा बहनें हैं, विधवा हमारी माएँ हैं, बेटियां हैं, जो लावारिस लोग हैं जिनका कोई वारिस नहीं है, बुजुर्ग हैं, ज़रूरतमंद, उनको इसका लाभ पहुंचे, वो नहीं पहुंच रहा है, तो मोदी सरकार की मंशा साफ है कि उनका लाभ मुसलमानों के गरीब तबके को पहुंचे। और तीसरा हमारा कहना है, जो ये मिसयूज़ हो रहा है पावर का, कुछ लोगों के लिए ये बेहतर है लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नासूर बन गया है। ट्रिब्यूनल की बात उसमें नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्ट में ज्यादा पावर दे दी, एक तरफ पावर ज्यादा दे दी उन लोगों के लिए, मुतवल्ली जो वक्फ का सबसे बड़ा घोटालेबाज है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, तो आप वक्फ की जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, आप जिम्मेदार है, तो कार्रवाई आप पे होनी चाहिए कि अध्यक्ष पे होनी चाहिए, मुतवल्ली पे होनी चाहिए, पावर सम्मेक जैसे हो। हम ये कह रहे हैं जो पाप कर रहा है उसको, उस
की जिम्मेदारी दी जाए कि भाई ये इसकी दायित्व होगा, इसका अगर गड़बड़ जमीन में होती है तो मुतवल्ली जिम्मेदार होगा। मुतवल्लियों को बचाए रखने वाला कानून जो इन्होंने बनाया है, उस कानून में संशोधन की आवश्यकता। हमारा मानना है अगर कुछ इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट्स विपक्ष चाहता है तो बताए ना, सिर्फ रिजेक्ट करो, क्योंकि आपकी दुकान चलती रहे, आपका भ्रष्टाचार चलता रहे, इसलिए रिजेक्ट करो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता के बीच में जाके जनता की लड़ाई को लड़ा जाएगा। मुस्लिम आवाम, सारे ठेकेदार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी साहब नहीं है, हम भी कौम के जिम्मेदार हैं और हम ये बताएंगे कि आवाम के बीच में जाएंगे, इनको एक्सपोज करेंगे और जनता का हक जनता को मिले, इसके लिए पूरी ईमानदार कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत करने के लिए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि अब जिस तरीके से संशोधन जो विधेयक आ रखा है उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से इसको पास किया जाना चाहिए, उसको लेकर ये तमाम पार्टी अब इस मामले में जुट गई है और सांसद कमेटी अब लोगों के बीच में जाकर क्या क्या इसमें संशोधन होना चाहिए, किस तरीके से पार्टी का जो राय है वो होनी चाहिए, इसको लेकर बातचीत करेगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।